उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा दांव चला है। भाजपा ने गाजीपुर की जहूराबाद सीट से कालीचरण राजभर को ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मैदान में उतारा है, जो कि साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर के जातीय समीकरण और उस मिथ को तोड़ने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी ऐसा ही किया था। उनके खिलाफ जैसे ही खबरें आई कि आरपीएन सिंह चुनाव लड़ेंगे, तुरंत उन्होंने सीट बदल ली और उसके बाद उनकी हार जीत की प्रत्याशा हार में ज्यादा बढ़ गई। और अब भाजपा ने जहूराबाद सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ दो बार के विधायक रहे कालीचरण राजभर को मैदान में उतार दिया है। इसके बाद पहला तो वोटों का बंटवारा होगा और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर को एक सीट तक सीमित करना आसान होगा। उनको अपनी सीट पर फोकस करना होगा, वो पूरे प्रदेश में कम से कम पूर्वांचल में असर उतना ज्यादा नहीं डाल पाएंगे। आइए समझते हैं क्या कुछ है समीकरण और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से कालीचरण राजभर को उम्मीदवार जहूराबाद से बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लाइफ टेक्निशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया, लगभग ये चौथा पांचवा महीना है, और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग कराते थे कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय, उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहले तो कालीचरण की प्रोफाइल जान लीजिए। भाजपा अपने जहूराबाद विधानसभा सीट पर कालीचरण राजभर पर दांव खेला है, जो कि कुछ दिनों पहले सपा छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं। हालांकि हाल ही में वो पहले बसपा में थे, उसके बाद सपा में आए थे, लेकिन जैसे ही जहूराबाद की सीट सुभाषपा के खाते में चली गई, तुरंत उन्होंने पाला बदल लिया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पिछली बार वो भाजपा के साथ में थे। यही नहीं, इसके अलावा कालीचरण राजभर जहूराबाद से ही बसपा के टिकट पर दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2002 और 2007 में इसी सीट से जीत हासिल करी। और इसके अलावा एक तरीके से कि अगर दोनों पार्टी का लिहाज छोड़ दिया जाए तो दोनों नेताओं की पुरानी अदावत इस सीट पर रही है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। बहरहाल कालीचरण ने जहूराबाद की सीट पर 2002 और 2007 में भी कब्जा किया था, लेकिन साल 2017 में चुनाव वो हार गए थे। और इस बार हराया किसने था उनको? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने। इसके बाद से दोनों के बीच राजनीतिक टेंशन बढ़ गई। उस वक्त भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन हुआ करता था, हालांकि कालीचरण दूसरे स्थान पर थे। इसके बाद धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। इसके बाद कालीचरण ने पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव के सहयोग से समाजवादी पार्टी का दामन थामा, अखिलेश यादव से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उस वक्त कालीचरण को यही लगा था कि अखिलेश यादव में उत्तर प्रदेश का भविष्य है वो, लेकिन उसके बाद ज्यादा दिनों तक समाजवादी पार्टी में रहे नहीं। और जैसे ही सुभाषपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट का बंटवारा जब होना शुरू हुआ, तब अंदाजा कालीचरण को लग चुका था कि उनको यहां से जहूराबाद की सीट से सपा टिकट नहीं देगी। इसके बाद कालीचरण भाजपा में अपना भविष्य तलाशने में जुट गए। इसके बाद वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने यहां से शादाब फातिमा को प्रत्याशी बनाया है। साफ तौर पर एक तरीके से मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है और सबसे बड़ी मुश्किल ओम प्रकाश राजभर के लिए रहने वाली है। और भाजपा का फायदा यह है कि एक मजबूत राजभर नेता उनके पास है, जिससे कि पूर्वांचल के इलाकों में जिन सीटों पर इस जाति का बहुलता है, जिसके दम पर ओम प्रकाश राजभर राजनीति कर रहे हैं, उसमें जो सेंधमारी होगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रह जाएगी। अगर इस सीट का जातीय समीकरण देखें तो इस पर 75,490 दलित मतदाता हैं। इसके अलावा तकरीबन 66,000 राजभर समुदाय के मतदाता हैं। इसके अलावा 43,000 यादव मतदाता हैं और 27,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता हैं। और इस सीट पर ब्राह्मण समुदाय के भी करीब 14,000 वोटर हैं। तो मामला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिकोणीय होने की स्थिति में होगा क्या कि यहां पर बसपा भी मजबूती के साथ खेलेगी और साथ में जातियों का वोट बटेगा और बसपा के पास मुसलमान वोटर है, इस वजह से मुसलमान वोट भी बड़ी संख्या में बसपा के पास जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर यहां पर वोट बंटता है तो राजभर दो हिस्सों में बंटेगा। उसके बाद जो 14,000 ब्राह्मण वोटर है वो यहां कम होने के बावजूद भी निर्णायक भूमिका में रहेगा। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल इस सीट पर रहेगी कि ब्राह्मण वोटरों को कैसे साधा जाए। और इस सीट पर कालीचरण अगर मजबूत होते हैं तो इसका मतलब है कि जो 15-18 सीटें उसके आसपास की है, जहां पर राजभर वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें रहने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। और उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।